क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर इसका हम यह कक्षा नौ चैप्टर नंबर 1, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जीरो बटे एक, इनके हम किसी भी संख्या का यदि शून्य में भाग देते हैं तो उसका आंसर जीरो ही प्राप्त आएगा, या जीरो बटे दो। तो ऐसे हम P बटे Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शून्य एक क्या हो जाएगी दोस्तों? परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमने बताया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P बटे के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बटे 1 बराबर 0, 0 बटे 2 बराबर 0। ये दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि जीरो किसी भी संख्या का भाग यदि जीरो में देंगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे एक का भाग जीरो में देंगे तब जीरो आएगा, दो का भाग जीरो में देंगे तब भी जीरो आएगा, या कोई भी संख्या हम जब लिखेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आने वाला है। इसी के साथ साथ तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये परिमेय संख्या है शून्य, इसे हम P बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण देके समझाया है। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर, P बटे Q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वह है, क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो एक कक्षा 9 का पहला ही टॉपिक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रतिदिन लाता रहूँगा। यदि आप अच्छे से अच्छे कंटेंट, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।